जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों अब बार बार जो आप मैसेज कर रहे हो, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, फिर मैंने वीडियो बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि बार बार अगर आप कोई वीडियो बनाए मोटिवेट करने के लिए तो आप क्या कि ज़्यादा अपने आप को कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, और अब फालतू की अफवाह उड़ रही है। तब मेरे को बोल रहे हैं कि सर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे, ये बार बार रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, या 20 फरवरी को रिजल्ट हो गया है, तो क्या ये सच है? और ये जो सुसाइड वाला वो एक और आ रहा है कि ये सुसाइड कर लिया किसी SSGD कैंडिडेट ने रिजल्ट नहीं आने की वजह से। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है, ठीक है? और अगर फेक भी नहीं है तो ऐसी चीज़ों पे आप अफवाह नहीं। मुझे एक बात बताओ, अगर फेल हो जाए कोई इंसान तो भी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो रिजल्ट ना आने ये कोई बड़ी बात है क्या? गवर्नमेंट के कई बार ऐसे काम हुए हैं जो लेट होते हैं, हर एक काम लेट होता, कोई ऐसा हुआ कि फिक्स टाइम पे कोई काम हुआ है, लेट आगे पीछे चलता रहता है यार। लेट हो जाने से मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी क्या? क्या बात करते हो आप लोग यार, हैं? आप फौजी बनने वाले हो, आपके मैं तो बोल रहा हूँ कि आप कुछ परेशानी नहीं है अपने जीवन में, ये मान लीजिए ये लेवल आपका कुछ भी नहीं है, जिस तो मैं आप फौज की नौकरी ज्वाइन कर लोगे ना, उसके बाद में क्या लगता है आपको, फिर यहाँ पे बिस्तर पे सुला के रखेंगे? हैं, आ जाओ बस बिस्तर पे बैठ जाओ। समस्याएं जीवन भर चलती रहती है और इससे बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ जवान 12-12 महीना 14-14 महीना मतलब 2-2 साल तक भी छुट्टी नहीं जाते हैं कई बार, तो मतलब उनको फेस कैसे करोगे? ऐसे लोग जो अभी एक रिजल्ट नहीं आने की वजह से अगर कोई ऐसा कदम उठा रहा है, खुद के शरीर को हार्म कर रहा है, और कुछ लोग तो इतनी घटिया मतलब लैंग्वेज पे उतर गए हैं, मतलब अपने अगर मान लो आपके माँ बाप भी देखेंगे उस लैंग्वेज को तो क्या क्या बोलेंगे? स्टेटस अपने खुद के व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं, इतनी गाली गंदी गाली। अरे आप फौजी बनने वाले हो क्या? हैं, सबसे बड़ी होती, मैंने पहले भी बोला था, इंसानियत से बढ़कर और कुछ नहीं होता इस दुनिया में, ठीक है? ये SSGD सब कुछ यहीं रह जाना है, दुनिया पता नहीं किस दिन हमको छोड़ के जानी है, तो जब तक रहना अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो, कोई बात नहीं, रिजल्ट आ जाए, कल आए, परसों आए, 2-4 दिन बाद में आ जाए, 10 दिन बाद में आ जाए, साला ज़िंदगी ले लेगा क्या? पास हो फेल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैंने पहले भी बोला था कि रिजल्ट सिर्फ SSGD का है, आपके जीवन का नहीं। और जिनको ऐसा लगता है ना कि आपको नौकरी लग गई है तो अब आप मतलब ऐसा मत बोलो, लो मैं आपके साथ सामने नौकरी छोड़ के वापस लग के दिखा दूँ किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। खुद में हिम्मत तो होनी चाहिए पढ़ने की, साला हिम्मत हार इंसान क्या करेगा जीवन में, मुझे बताओ, जो इंसान हिम्मत ही हार जाएगा वो क्या करेगा? तो ऐसे कोई अगर सोच रखता है ना हार्म पहुँचाने की, या बोल रहे हैं कि सर हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, अरे तुम इतना क्या बावले हो गए हो यार, रिजल्ट कोई बात नहीं 2 दिन लेट आ जाएगा, तो रिजल्ट की डेट थी 20 तारीख, ठीक है? अब उसके बाद में ये रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे हैं SSC की डिलेड 20 फरवरी को, ये सब झूठ है, फेक है, ऐसी कोई बात नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा 1-2 दिन में आ जाएगा। और अगर 1-2 दिन बाई चांस SSGD फिर भी अगर लेट करती है, 2-4 दिन ज़्यादा लेट कर देती तो भी कोई बात नहीं दोस्तों। हाँ 3 साल मैं मानता हूँ, 3 साल का आपको टाइम हुआ, पेशेंस करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन करना पड़ता है, ठीक है? जब आपके हाथ में कुछ नहीं हो ना तो करना पड़ता है आपको, जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहता ना तो उसको वो करनी चाहिए जो उस समय परिस्थिति जो बोलती है, तो अभी आपकी परिस्थिति यही बोलती है, बस अपने दिमाग को शांत रखो और वेट करो, ठीक है? आपसे बोल रहे हैं कि लोग बार बार पूछे, अरे लोगों के हिसाब से चलोगे क्या? लोग तो साला जीवन भर आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, बोल रहे हैं हमारे से लोग बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी एक ही क्वेश्चन करते हैं, यार दोस्त एक, अरे तेरा नंबर आया क्या, अरे तेरा नंबर आएगा, अरे इस चीज़ से आप डर जाओगे तो फिर कैसे जीवन जियोगे भाई? ज़िंदगी जब तक जियोगे ना तब तक लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, और वो आपको इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप डिमोटिवेट हो, आप अपना मनोबल गिराने के लिए। तो ऐसी बातों में मत आइए, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं था आज ना, मैं वीडियो बनाने की मेरी इच्छा थी लेकिन फिर भी बना रहा हूँ, क्योंकि एक तो सुसाइड वाला केस मेरे को बार बार कोई मैसेज कर रहे हैं, और एक वो झूठी जो ये फेक रिकॉर्डिंग चल रही है, कभी कोई सी रिकॉर्डिंग कभी कोई सी वेबसाइट की फ़ोटो, कभी कोई अखबार न्यूज़ की फ़ोटो, ये सब फेक है। और जो ये सुसाइड वाला फैला रहा साला, इससे तो कोई गंदा इंसान नहीं होगा, अगर ये फेक न्यूज़ है तो इससे कोई गंदा इंसान नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इससे मतलब ये किसी को आप क्या साबित करना चाहते हो, मतलब रिजल्ट नहीं आया तो मतलब सुसाइड कर लो, वाह बन गए तुम तो फौजी, मतलब इसका मतलब तो फिर तुम यहाँ फौज में आके छुट्टी नहीं मिलेगी, तो मतलब ऐसा काम कर लोगे तो काहे नौकरी करोगे भाई? ऐसी कोई बात नहीं है ना, तो ऐसा काम करना, अगर मैं तो बोलता हूँ अगर फेल भी हो जाए, नंबर ना भी आए, अनफिट भी हो जाए, साला ऐसा काम नहीं करना ज़िंदगी में कभी, क्योंकि रिजल्ट है SSGD का, ज़िंदगी का नहीं, ठीक है? जब एक रास्ता बंद होता है ना, भगवान 100 रास्ते खोलता है, कोई ना कोई रास्ते पे आपका नाम लिखा है, कोई ना कोई सीट पे आपका नाम लिखा है, कोई ना कोई धंधे काम पे आपका नाम जरूर लिखा है इस दुनिया में। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, फालतू की बातों पे छोड़िए, ठीक है? अपनी लैंग्वेज को संयम रखिए, सावधान मतलब अच्छे से बोलिए, अच्छे वर्ड बोलिए, कोई बात नहीं, पेशेंस, ज़िंदगी में सबको हर चीज़ समय पर नहीं मिले ऐसी कोई बात नहीं है, सभी को परेशानी, सभी को दुख तकलीफ है यार, ठीक है? आप और आप तो जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो, जिस जॉब में जाने वाले हो ना, वो तो पूरा कठिनाइयों से भरा जॉब है, ठीक है? आप जिस जॉब में जाने वाले हो ना उसमें मैं हूँ,
तो यहाँ पर बहुत ही मतलब संघर्ष करने पड़ते हैं, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सारी खुशियों की, तो ऐसे कैसे जीवन जियोगे फिर? यहाँ तो हर रोज़ आप परेशान रहोगे जी, कर ही नहीं पाओगे नौकरी फिर, ऐसे जो इतनी घटिया लैंग्वेज में उतर गए वो क्या करेंगे फिर? फोर्स डिसिप्लिन में ऐसे थोड़ी ना रहती है फिर। अरे पेशेंस रखो, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप 3-4 साल हो गई आप मतलब वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, ये मुझे भी पता है, ठीक है। और एक एक दिन 20 तारीख की आपके साथ मुझे भी उम्मीद थी कि 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, इसीलिए मैं वीडियो बना के बोला कि 19 तारीख को नाइट में भी आ सकता है, नहीं तो 20 तारीख को आ ही जाएगा पक्का, क्योंकि ऐसा होता है हर बार कि इसमें जैसे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाला दे दिया था। लेकिन अब आप इतने बावले तो मत हो जाओ कि मतलब रिजल्ट नहीं आया तो मतलब खाना पीना छोड़ दो, कुछ खाओ पियो नहीं। वो एक कोई लड़की का और आ रहा है मेरे को कि उस लड़की ने किसी ने पॉइजन खा लिया है कि मतलब रिजल्ट नहीं आया तो, अरे वो ग्रुप चैटिंग में बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो गया सर, क्या ये सही है सर, क्या ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ये SSGD वाले क्या, SSGD वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रखा है। अरे रिजल्ट में बोल रहा हूँ, 1-2 दिन लेट हो जाएगा तो हो जाएगा। अगर मान लो आपको कोई काम बोले, आपसे कोई पैसे भी उधार दे दे, चलो आपको जैसे कोई 50,000 रुपये उधार दे दे, ज़रूरी थोड़ा ना आप टाइम पे दे पाओ, 1-2 दिन लेट हो सकता है यार, ये इंसानियत है। 1-2 दिन लेट हो गया तो आप थोड़ा सा इंसानियत दिखाओ, अगर कोई ज़्यादा ही करे तो फिर, तो फिर भी आपकी लैंग्वेज तो अच्छी अच्छी नहीं है, ऐसे कुछ मत बोलो यार, कुछ भी मतलब गालियाँ ग्लोज दे दबा दब, नीचे कोई भी वीडियो बनाए नीचे कमेंट बॉक्स में दे दबा दब गालियाँ, अगर कोई भी मतलब SSGD की वेबसाइट पर दे दबा दब, मैंने वो टेलीग्राम ग्रुप खोला था उसमें भी थोड़ी सी देर अच्छे से रहे, उसके बाद में दे दबा दब गालियाँ। वो टेलीग्राम ग्रुप मैंने इसलिए ओपन किया था कि भाई SSGD की जैसे मेरिट आएगी मैं PDF डाउनलोड करके आपको दे दूंगा जल्दी से, फिर आप आसानी रहेगी, आप उधर PDF में अपना नंबर डाल के देख लेना, ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग है खुद ही बनाने लगे, कई कई जगह बोल रहे हैं कि 20 फरवरी को रिजल्ट आएगा, कुछ बोल रहे हैं रिजल्ट तैयार है, कुछ बोल रहे हैं रिजल्ट तैयार नहीं हुआ, क्योंकि दोनों रिजल्ट साथ आएंगे, मतलब आपकी सीट और जो मेरिट SSGD की मेरिट आएगी और उसके साथ में आपकी सीट अलॉटमेंट भी साथ आएगा। कुछ बोल रहे हैं कि अभी रिजल्ट तैयार नहीं हुआ, कुछ बोल रहे तैयार हो गया, कोई बोल रहे हाई कोर्ट में रोक लगा दी, कोई बोल रहे केरल कोर्ट में रोक लगा दी, कोई अखबार की न्यूज़ कटिंग दे रहे हैं कि 23 जनवरी को रिजल्ट आएगा, कोई 23 फरवरी को बता रहा है, ये सब फेक न्यूज़ है, ठीक है। आप इस पर ध्यान मत दो, जब भी आएगा रिजल्ट आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपका नाम आए उसमें, ठीक है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका नाम आए, तो बिल्कुल ही डिमोटिवेट होते है। और ये रिजल्ट है सिर्फ SSGD का, एक एग्ज़ाम का, आपके जीवन का नहीं, याद रखना दोस्तों। कभी भी अपने, अगर आप सही हो ना साला, कोई भी दुनिया कोई भी काम कर सकते हो, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना कभी, ठीक है। तो अपनी संयम रखिए, अच्छे से रहिए, कोई बात नहीं है। अरे ये तो कुछ परेशानी नहीं है आपकी ज़िंदगी, अभी जिस उम्र में हो ना आप, पूरी लाइफ पार करनी है और बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी दोस्तों, बहुत सारी, हर रोज़ प्रॉब्लम, नई प्रॉब्लम आएगी, जो अच्छे से ज़िंदगी जिएगा ना उसको तो प्रॉब्लम आएगी। तो मैं ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ इतना है कि आप बिल्कुल ऐसी कोई अगर हरकत कर रहा है तो, मैं तो बोल रहा हूँ उससे कोई गंदा इंसान नहीं है, और अगर फालतू की न्यूज़ फेंक कर रहा है तो भी उससे भी कोई गंदा इंसान नहीं है, और आपके दिमाग में भी अगर ऐसी कोई बात है ना तो डिलीट मार देना उसको दोस्तों, ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिससे खुद को नुकसान हो, आपके परिवार को जिसका बोझ उठाना पड़े, और उनको आपके कुछ हार्म पहुँचाने से उनकी समस्याएँ हल नहीं होगी, आप हो तो समस्याओं का हल है, ठीक है। रिजल्ट आता रहेगा, जाता रहेगा, ज़िंदगी चलती रहेगी, आप खुद सही हो तो सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो मस्त रहो, कोई बात नहीं, 1-2 दिन टाइम लगता है, 4 मिनट मैं बोल रहा हूँ 10 दिन भी टाइम लगता है, साला घबराना नहीं, क्या है यार, रिजल्ट आ जाएगा, कोई बात नहीं, इतने 3 साल रुके हो ना, 1 महीना और सही, 10 दिन और सही, 5 दिन और सही, साला मतलब इतनी लैंग्वेज ऐसे कर ली है, इतना गुस्सा, ऐसा ना करो दोस्तों, ठीक है। अच्छे से रहो और बढ़िया से रहो, फालतू की बातें ना करो कमेंट बॉक्स में किसी के भी, या SSGD के भी आपके ग्रुप में भी इतना गंदा ना बोलो, ठीक है। ये आपके संस्कार है तो जिस हिसाब से आपको अपने माँ बाप ने संस्कार दिया उनका नाम रखो, ठीक है, और उसी हिसाब से रहो, परेशानी आती रहेगी जीवन भर। जय हिंद, जय भारत।